मुझे हंगेरी आए हुए 3 हफ्ते हो चुके हैं। मैं हंगेरी वर्क वीजा पे आया हूँ, लेकिन जो मेरा एम्प्लॉयर है मुझे काम नहीं दे रहा है और मेरे पास TRC भी नहीं है। अभी तक मेरा रेजिडेंस परमिट कार्ड नहीं बना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये सवाल पूछते हुए मुझे पिछले कुछ हफ्तों में हमारे सब्सक्राइबर्स ने कॉन्टेक्ट किया है, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपको हंगेरी का वर्क वीज़ा मिल जाए और यहाँ पे आने के बाद आपको काम ना मिले। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो आपका पर्पज़ है हंगेरी में आके अर्न करने का, वो पूरा नहीं होगा और आपको बहुत मेजर लॉस हो सकता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इस नुकसान से बच सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। देखिए क्या है, कुछ दिनों पहले मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको वीज़ा मिल चुका है हंगेरी आने का और उनकी जो जॉब लगी है वो एक क्लीनिंग कंपनी में लगी है और उनके कुछ दोस्त ऑलरेडी हंगेरी में पहुँच चुके हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयर है वो उनको काम नहीं दे रहा है और ना उनकी TRC बना रहा है। अब ये जो हमारा सब्सक्राइबर है ये अभी हंगेरी नहीं आया है, तो इसने मुझे बताया, क्योंकि हमारी डिटेल में डिस्कशन हुई, इसने कहा कि जी मैं ऑलरेडी 50,000 रुपये एजेंट को दे चुका हूँ और मुझे 5 लाख रुपये और देने हैं, इसके अलावा टिकट के पैसे भी मुझे अरेंज करने हैं, तो बताइए मैं क्या करूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे सब्सक्राइबर है इनको जो 5 लाख रुपये एजेंट को देने हैं ये लोन लेके देने हैं, और अगर ये हंगेरी आ जाते हैं तो देखिए 5.5 लाख रुपए तो एजेंट को दे चुके होंगे, 50-60 हज़ार रुपये टिकट पे खर्च करेंगे, तो हंगेरी पहुंचने तक ये करीब 6 लाख रुपए खर्च कर चुके होंगे। उसके अलावा करीब 1,000 यूरो इनकी जेब में होने चाहिए, तो ये हो जाता है तकरीबन 7 लाख रुपए। अब 7 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अगर इनको यहाँ पे काम नहीं मिलता है तो ये 7 लाख रुपए जो है ये कैसे वापस करेंगे या ये कैसे अर्न करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देखिए यह होता क्या है, खासकर हमारे देश इंडिया में या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, आप ना अपने एजेंट से जो डील करते हैं वो होती है वीज़ा की, कि हम पेमेंट आफ्टर वीज़ा देंगे, ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एजेंट से ये बात करिए कि एजेंट आपको अश्योरेंस दे कि वीज़ा तो मिलेगा ही, उसके बाद आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको जॉब मिलेगा और साथ ही आपका एम्प्लॉयर आपको TRC दिलवाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसी डील नहीं करते हैं तो आपको बहुत मेजर नुकसान हो सकता है। क्योंकि अब होता क्या है कि जो वीज़ा आपको मिलता है वो मिलता है 3 महीने की वैलिडिटी का, और उसमें ज़रूरी होता है कि आप एक बार एंटर कर जाएं तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना TRC या रेजिडेंस परमिट कार्ड ऑप्टेन करना होता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इलीगल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए क्या है, TRC कार्ड एक बार आपके पास आ जाता है ना तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, सपोज़ करिए आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं काम पे रख रहा है तो आप इमिग्रेशन जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं और नया एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हैं, किसी और मतलब एम्प्लॉयर के थ्रू नया जो आपका रेजिडेंस परमिट कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं जाते आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।